और इस बीच आज इटावा में शिवपाल यादव अपना नामांकन दाखिल करेंगे। उससे पहले शिवपाल यादव से बात की हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। शिवपाल सिंह यादव जसवंत नगर से पर्चा भरने जा रहे हैं, लगातार 1996 से जीत रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं शिवपाल सिंह यादव खुद। कई सवाल हैं, हम उनसे पूछते हैं। शिवपाल जी, आप चुनाव पर्चा भरने जा रहे हैं, बड़ी चर्चा थी कि आप लोकदल ज्वाइन कर सकते हैं, उधर से जा सकते हैं, लेकिन क्या है? देखिए, आज हम नामांकन करेंगे और समाजवादी पार्टी से नामांकन करेंगे। ए फार्म बी फार्म मुझे मिला है, टिकट मुझे मिला है, तो आज नामांकन करेंगे। आप किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं, क्योंकि अब पूरी कमान मुख्यमंत्री के हाथ में है, अखिलेश यादव के हाथ में है, आपको लगता है कि पार्टी बहुमत पाएगी इस गठबंधन के साथ, मुख्यमंत्री के साथ? देखिए, हम अपने अभी चुनाव में लगे हैं, हम अभी कहीं नहीं जा रहे हैं, और फिर हम नेताजी के साथ हैं। नेताजी का जो भी आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। शिवपाल जी, नेताजी ने कह दिया है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं है और 105 सीटों पर पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, हम अपने चुनाव में अभी लगे हैं और मैंने बोल ही दिया है हम नेताजी के साथ हैं। अब अपना चुनाव के बाद, अभी हमें स्टार प्रचारक हैं नहीं, तो मुझे अभी अपने चुनाव में रहना है। आपको लगता है कि आपको भी चुनाव में जाना चाहिए, आपको लगता है कि नहीं? क्योंकि आप इतने सालों में आप कभी घर नहीं बैठे, लगातार आप चुनाव प्रचार करते रहे, ये पहला चुनाव होगा जब आप खुद सिर्फ अपने लिए रहेंगे? तो आप कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है तो अपना अपनी जो चुनाव अपना चुनाव देखेंगे। ये दर्द है सर कि क्योंकि अगर मुख्यमंत्री आपको बुलाएं चुनाव प्रचार में तो आप जाएंगे? देखिए, अब अपने चुनाव के बाद अगर कहीं पर भी कोई निर्णय लेंगे तो जो भी बुलाएगा तो अपने चुनाव के बाद निर्णय लेंगे। सर, एक चीज़ और कि बहुत सारे आपके लोग हैं जो दूसरे दलों में गए, नारद राय गए, अंबिका चौधरी गए, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या उन जाना उनकी मजबूरी थी या ऐसे लोग जो कि अभी इसमें हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे। उनके लिए कहीं ना कहीं वोट के लिए आप बात करेंगे कि उनको वोट मिले या जीते? मैंने कहा अभी कोई कमेंट नहीं, अब जब हम अपने चुनाव में जी हैं, हमारा चुनाव हो जाएगा उसके बाद। आखिरी सवाल कांग्रेस को लेकर के क्या रुख होना चाहिए, क्या जो नेताजी ने कहा है आप उसके साथ हैं? मैंने बोल ही दिया हम नेताजी के साथ हैं और अभी तो हम अपना चुनाव में लगे हुए हैं, तो अपने चुनाव के बाद फिर नेताजी से जब भी बात करेंगे फिर कोई। कांग्रेस को हराने की जो बात कही है नेताजी ने, आपको लगता है कि उनको हराया जाना चाहिए 105 सीटों पर? देखिए, वो तो स्वतंत्र हैं, अब जिनका टिकट कटा है वो स्वतंत्र हैं। अब ये हम जानते हैं कि वो प्रभावशाली लोग थे। नैतिक रूप से आप साथ हैं? देखिए, अब बाद में निर्णय लेंगे, अभी तो नहीं। तो ये थे शिवपाल सिंह यादव, साफ तौर पर ये कहते हुए कि वो अपना निर्णय कुछ दिन बाद लेंगे, लेकिन उनकी नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, इटावा आज तक।